once again warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है. माय डियर स्टूडेंट, टुडे वंस अगेन आई केम हियर टू टीच यू अबाउट स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज डे 6 वीडियो. अगर आप अभी तक डे 1 टू डे 5 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, बगल में ही प्लेलिस्ट है, ऊपर से देख लीजिए. प्लेलिस्ट में सारी वीडियो रखी गई है, सारी डाली गई है, आप वन बाय वन देख लें, उसके बाद इसको देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में इजीली आ जाए. माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर्स नेम इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश. द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और कैसे हमारे देश में ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. बैटल ऑफ पलाशी के बारे में जाना है, बैटल ऑफ बक्सर जाना है. आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बंगाल आफ्टर बक्सर. बंगाल आफ्टर बक्सर, तो जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, बैटल ऑफ पलासी हो जाती है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद की हालात क्या होती है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे. तो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे, द टॉपिक इज ओवर हियर, दैट इज बंगाल आफ्टर बक्सर. आपके बुक ने टेक्स्ट बुक में देख बेटा दिया हुआ है. जब ब्रिटिश, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जब ब्रिटिश बैटल ऑफ पलासी लड़ता है, फिर बैटल ऑफ बंगाल लड़ता है, बक्सर लगता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसमें मेनली बंगाल पर इनका शासन अब कंटिन्यूअसली रियल पावर में आ जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद कोई अपोजिशन अच्छे रह नहीं जाते. सुजाउल दौलत थे, मीर कासिम थे उस वक्त, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को ये बना दिया था, नवाब बना दिया. तो मीर जाफर को एक पुतले की तरह यूज कर रहे थे, मतलब ये वॉज जस्ट वर्क एज अ पपेट, वो पुतले की तरह काम कर रहे थे. अब जो ब्रिटिश पावर का आदेश होता था ईस्ट इंडिया कंपनी की, ही वॉज डूइंग सच अ मैटर, सच एन एक्शन, वो वही करते थे जैसे ब्रिटिश उसको आदेश करते थे. एनीवेज, नवाब नियुक्त किया. जब नवाब नियुक्त कर दिया तो नवाब के नियुक्त करने के बाद बेटा सारा पावर उसको नहीं दिया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रेवेन्यूज पावर, मिलिट्री पावर, सब पावर को अपने पास रखा. हाँ, एक पावर जरूर लिया था, पावर नहीं कहिए उसको, नेगेटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, इट वॉज नॉट द पावर, इट वॉज जस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द नवाब ऑफ बंगाल, हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1770. तो 1770 के आसपास, मतलब उससे पहले ही है, नवाब बना नियुक्त किया गया बंगाल में. तो जब बंगाल की बंगाल में नवाब नियुक्त किया गया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दे दी गई कि तुमको रेवेन्यू सिस्टम कैसे हैंडल करके रखना है, कैसे कलेक्ट करना है. रेवेन्यू लगाना क्या है, ये ब्रिटिश कंपनी बड़ी बहन था, रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को देना था. कहां सोल्जर पावर लगाना है, कहां मिलिट्री पावर यूज करना, इट वॉज डिपेंड अपॉन द ब्रिटिश पावर, वो ब्रिटिश पावर पर डिपेंड था बेटा. एंड ब्रिटिश वॉज थिंकिंग अबाउट इट, ही वॉज लियबल फॉर दिस, वो इसके लिए उत्तरदायी था. लेकिन और रेवेन्यू टैक्स वसूल करके राजा का, नवाब का काम था वसूल करके दे देना. और इसमें क्या होता क्या था कि बहुत एक ह्यूज अमाउंट में आता था रुपये पैसे, बहुत सारे इनकम संपत्ति ह्यूज अमाउंट में आता था, लेकिन वो जो लौटाता था वो बहुत कम लौटाता था. आई मीन टू से कि एक छोटा सा अमाउंट अगर 100 रुपया हुआ तो 2-4 रुपये लौटा दिया गया, बाकी का रुपया रख लिया जाता था. एक परसेंटेज में बता रहा हूं आपको, बाकी के टैक्स को रख लिया जाता था, ब्रिटिश ही रख लेते थे. तो कंटिन्यूसली ये चलता गया, चलते चलते ब्रिटिश ने 1770 में बात करें तो एक यूनिक अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो गया था. सिर्फ पपेट के रूप में नवाब को काम करना था, इंटरनली पावर जो था सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में था. तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट वॉज नोन एज ऑन द पीरियड ड्यूअल गवर्नमेंट. आज भी ड्यूअल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में चलती है,
या किसी और देश में चलती है, जब जो लेवल अलग अलग लेवल पर सिविक्स हम लोग पढ़ेंगे 9th-10th में, तो वहां ड्यूअल गवर्नमेंट का या डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी है तो जनता के हाथों में बहुत सारी पावर यहाँ हमारे भारत में दी गई है। एक डाइवर्स नेशन होने के बाद भी यहाँ एक डेमोक्रेसी चलती है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो सर एक जो अरेंजमेंट था, जो रियल पावर था, वो तो ब्रिटिश के पास थी, एक पपेट के रूप में, पुतले के रूप में नवाब खड़ा था। तो सर ये जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये जो अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट था, दिस वॉज नोन एज ड्यूअल या फिर डबल गवर्नमेंट। दिस वॉज नोन एज ड्यूअल या फिर डबल गवर्नमेंट। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बेटा, तो हमने लाइट ऑप्शन लिखा ही नहीं है, तो आई थिंक यू कैन राइट इट, यू कैन टेक इट, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर इट। सर इन द फेमाइन, एक बार की घटना है, 1770 में एक बार फेमाइन आई है, जो ग्रेट फेमाइन के रूप में जाना जाता है। आप इकोनॉमिक्स में 9th क्लास में पढ़ेंगे, उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी दी गई है कि आखिर फेमाइन कैसे आया था। फूड सिक्योरिटी एक चैप्टर मिलेगा बेटा, तो वहां जब 9th क्लास में पढ़ेंगे तो 1770 की घटना, फिर 1948 की घटना है। ये दो साल बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, 1948 और 1770 में एक बार फेमाइन आ गई थी। तो 1770 में जो फेमाइन आई, तो वहां की जनता को, द पीपल ऑफ बंगाल वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग फ्रॉम द साइड ऑफ, आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रॉम द साइड ऑफ नवाब ऑफ द बंगाल। ना तो बंगाल के नवाब से उसको कुछ मिला, ना ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको दी कुछ। तो इसमें बहुत सारे जनता की मृत्यु हो गई। ऑब्वियसली जब फेमाइन आएगी, खाने पीने की कुछ सामान नहीं है बेटा, उस केस में अगर नहीं कुछ मिलता है तो मृत्यु तो निश्चित होना ही है बेटा, और यही हुआ उस वक्त। ड्यूअल सिस्टम जो था फिर एंड हो गया, नवाब को भी हटा दिया गया, ड्यूअल सिस्टम वहां हटा दिया गया। और ड्यूअल सिस्टम के एंड होने के बाद अगर ड्यूअल सिस्टम, इट वॉज द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एंडेड इन 1772। ड्यूअल सिस्टम वॉज एंडेड इन 1772। तो एंड होने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल आ गई, सरकार की सत्ता की डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो किसके पास आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब डायरेक्ट कंट्रोल आ जाती है उनका, तो न्यू गवर्नमेंट में नया गवर्नर जनरल बनता है, और पहला बंगाल में नए गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग्स जो है, वारन हेस्टिंग्स का नाम हमने यहाँ लिखा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वारन हेस्टिंग्स बिकम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड वो कब से कब तक रहा था, ही वर्क फ्रॉम 1717 to 1785। और फर्दर कंटिन्यूअसली, सिर्फ यही पर भारत में विकास उसका नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा में भी था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो था आपके उत्तराखंड और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे कंटिन्यूअसली क्या हुआ, बढ़ता चला गया। हालांकि वेस्ट इंडिया में पहले आए, तो कलकत्ता बंगाल यानी वेस्ट इंडिया में है, वेस्टर्न घाट में है, वहां से कंटिन्यूअसली फिर वारन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल बंगाल के हुए, इससे पहले भी गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब डायरेक्ट कंट्रोल में आया बंगाल, तो उसके गवर्नर जनरल, ये ड्यूअल गवर्नमेंट के बाद पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया, उनको ऑल इन ऑल बनाकर भारत में छोड़ दिया गया। तो सर ये था आज के सिचुएशन, आज की जो टॉपिक बंगाल आफ्टर बक्सर, इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कि आखिर 1772 के बाद, मतलब इन 1772 से 1785 के बाद हेस्टिंग्स ने भारत में कौन कौन से कदम उठाए, कैसे भारत में विस्तार किया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप दूसरे सर के वीडियो को देखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।